हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पिस्सू यानी फ्ली एक ऐसा इंसेक्ट पैरासाइट है जो कि जानवरों और इंसानों का खून पी के जिंदा रहता है और उनके अंदर बीमारी फैलाता है। इसकी वजह से जो सबसे भयंकर बीमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली है उसका नाम है प्लेग, जिसकी वजह से 14वीं शताब्दी के अंदर एक तिहाई जनसंख्या पूरे यूरोप की ख़त्म हो गई थी और इंडिया के अंदर भी 19वीं शताब्दी के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग प्लेग की वजह से मरे थे। तो दोस्तों, अगर आपके घर में फ्ली हो गए हैं तो इसका ट्रीटमेंट आपको कैसे करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वही सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर पिस्सू यानी फ्ली की 2000 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं और सभी जानवर और पक्षियों के जो पिस्सू होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुत्ते का पिस्सू अलग होता है, कैट का पिस्सू अलग होता है और इंसान के ऊपर जो हमला करता है वो पिस्सू अलग होता है और चूहों का पिस्सू अलग होता है। दोस्तों, अगर आप इन पिस्सू को ख़त्म करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इसके लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। देखिए, कोई भी पिस्सू जो हमारे जानवर जो हम पेट पालते हैं जैसे कि कुत्ता बिल्ली, उनके ऊपर जो पिस्सू पाए जाते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो इनका लाइफ साइकिल होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जो मादा पिस्सू होती है एक दिन में 50 से 60 अंडे देती है और अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जो है 500-600 अंडे देती है। अंडों के अंदर विद इन ए वीक हैचिंग हो जाती है जिससे लार्वा निकलते हैं और लार्वा स्टेज के अंदर ये तकरीबन 2 हफ्ते के करीब रहते हैं, जिसके बाद ये प्यूपा के अंदर चेंज हो जाते हैं। जो इसकी प्यूपा स्टेज है दोस्तों, प्यूपा स्टेज 1 हफ्ते से लेकर के 1 साल तक की हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। दोस्तों, अगर कंडीशन अनुकूल है और आसपास बहुत सारे जानवर हैं तो विद इन ए वीक प्यूपा से एडल्ट पिस्सू बन जाता है यानी फ्ली बन जाता है और ये साइकिल लगातार चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर और आसपास में बहुत ज़्यादा पिस्सू हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर कंडीशन अनुकूल नहीं है तो जो इसकी प्यूपा स्टेज है वो 1 साल से ज़्यादा भी चलती है और ये तब तक जो है हाइबरनेशन में पड़े होते हैं किसी भी घर के अंदर या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर आपने जानवरों को पाला हुआ है और टेम्परेचर अगर ठंडा है तो ये तब तक पड़े होते हैं दोस्तों उस जगह पर, जब तक कि टेम्परेचर इनके अनुकूल ना हो जाए। खासकर ये बरसात के दिनों में और गर्मी के दिनों में ही होते हैं और अगर इनके आसपास जानवर ना हो तो ये इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलते अपने प्यूपा से, और जैसे ही जानवर इनके नज़दीक आते हैं तो ये उसकी वाइब्रेशन को सेंस कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस कर लेते हैं, और जैसे कोई कुत्ता बिल्ली या कोई भी जानवर इनके पास से होकर निकलता है ये तुरंत ये प्यूपा स्टेज से बाहर आ जाते हैं और उछल करके उस जानवर के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपना आगे की जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी पिस्सू यानी फ्ली के लाइफ साइकिल के बारे में। अब बात आती है इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट हमें 2 तरीके से करना पड़ेगा। एक तो जो घर के अंदर हमने कोई जानवर जैसे कि कुत्ता या बिल्ली या कोई और चीज़ हमने पाली हुई है उसका ट्रीटमेंट भी करना होगा और साथ ही हमें अपने घर का ट्रीटमेंट भी करना होगा। अगर आप किसी जानवर यानी कुत्ता या बिल्ली का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मार्केट के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिनका मैंने लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वैसे मैं आपको बता भी दे देता हूँ, जैसे बायर कंपनी का एडवांटेज 2, एडवोकेट और वाईफाई फोर्ट दूसरी कंपनी का है, आप चेक कर लेना, मैंने वीडियो के नीचे लिंक में दे दिया है पेस्टिसाइड का, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको आपको यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, इसको आपको यूज़ करने से पहले एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने डॉग या बिल्ली की एज क्या है और उसका वेट क्या है, वो देखने के बाद ही आपको मार्केट से उनकी एज और वेट के अकॉर्डिंग ही डोज यानी दवाई खरीद के लानी है। ये नहीं कि आपने बड़े कुत्ते की खरीद ली और छोटे भी यूज़ कर रहे हैं और आपने कुत्ते की खरीद ली बिल्ली भी यूज़ कर रहे हैं और बिल्ली वाली खरीद के कुत्ते भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना वरना हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। आपको एज का भी ध्यान रखना है और आपको ये भी ध्यान देना है कि उसका वेट कितना है अपने पेट का, और कुत्ते का जो है बिल्ली पे यूज़ नहीं करना है और बिल्ली का कुत्ते के ऊपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इन सब की लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके अपने कुत्ते की वेट या बिल्ली के वेट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग जाके इसको परचेज कर लें। और यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है इसका, आपको कुछ नहीं करना, जो हमारे पेट की बैकबोन है वहाँ से बालों को हटाना है। बालों को हटा के अगर आपकी बिल्ली है तो केवल एक डॉट
आपको गर्दन के पीछे लगा देना है। और अगर आपने कुत्ता पाला हुआ है तो कुत्ते के केस में हमें 3 से 4 स्पॉट लगाने हैं स्किन के ऊपर। सिंपली उनके बाल हटाओ और बाल हटाने के बाद पहला जो टोट लगाना है हमें गर्दन के पीछे लगाना है और फिर 6 इंच नीचे दूसरा डॉट लगाना है और फिर 6 इंच नीचे तीसरा डॉट लगाना है। अगर कुत्ता छोटा है तो इतनी बहुत है और अगर कुत्ता हमारा बड़ा है चौथा डॉट आपको दोबारा पूंछ से थोड़ा सा ऊपर लगा देना है और बस ये आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। और साथ में आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि इसको लगाने से पहले आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपका कुत्ता पिछले 2 दिन के अंदर नहाया हुआ ना हो और इसको लगाने के 2 दिन बाद तक भी आपको कुत्ते को बिल्कुल भी नहीं नहलाना है। इस चीज की सावधानी आपको बरतना होगा। दोस्तों ये जो मेडिसिन है कुत्ते बिल्ली की स्किन के अंदर यानी पूरी बॉडी की स्किन के अंदर 12 घंटे के अंदर फैल जाती है। दोस्तों 12 घंटे के बाद जैसे ही कोई पिस्सू हमारी बिल्ली या कुत्ते को काटेगा तो ये मेडिसिन जो है उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और पिस्सू जो है डेड हो जाएगा। इस तरह करके पूरी की बॉडी के पिस्सू जो है 24-25 घंटे के अंदर मर जाते हैं। मैक्सिमम 48 घंटे में सारे के पिस्सू खत्म हो जाएंगे और इसका जो असर है वो 1 महीने तक रहता है। दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में दोबारा जरूरत पड़े तो इस मेडिसिन को खरीद को ले आइए और दोबारा यूज कर लें। तो ये तो है जानवरों के लिए। अब बात आती है घर का ट्रीटमेंट कैसे करें। दोस्तों घर के ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड है वो है टेम्परिड SC, जो कि लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, आप वहां जाके इसके करंट रेट चेक कर सकते हैं। इसको खरीद के लिए आइए। ये बहुत ही जबरदस्त पेस्टिसाइड है दोस्तों। ये आपको पिस्सू के अलावा घर के अंदर जो कॉकरोच हो जाते हैं, मच्छर मक्खी हो जाते हैं, हर तरह के इंसेक्ट्स पर ये जबरदस्त काम करता है। मकड़ियों के ऊपर भी बहुत जबरदस्त काम करता है। आपको कुछ नहीं करना, पानी के अंदर इसको अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करके पूरे घर के अंदर इसका अच्छे से स्प्रे कर दें। चूंकि SC फॉर्म में होता है दोस्तों तो इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करके यूज़ करने पहले इसको अच्छे से मिक्स करें पानी के अंदर और अच्छे से मिक्स करके पानी के अंदर इसको मिलाने के बाद आपको पूरे घर के अंदर इसका स्प्रे करना है। कोई भी घर का क्रैक नहीं छोड़ना है, जिससे कि जहां भी इसके कुछ लार्वा वावरा पड़े हुए हों, अंडे पड़े हों या पिस्सू हो, तो स्प्रे करते ही ये 4-5 मिनट के अंदर ही वहां पर ख़त्म हो जाएं। ठीक है दोस्तों, ये तरीका है पिस्सू का ट्रीटमेंट करने का। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपनी पेट का भी ट्रीटमेंट करना और साथ में अपने घर का भी ट्रीटमेंट करना, जिससे कि ये प्रॉब्लम आपकी बार बार की खत्म हो जाए और एक बार में अच्छी तरीके से इसका ट्रीटमेंट हो जाए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो इस ट्रीटमेंट को देख सकें, समझ सकें और अपने घर के अंदर इसको यूज़ कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।